ही चला अगर होगी ज्यादा कैसे करूंगी। अभी जब मुझे बाहर निकल के पता चला कि नहीं, जनता मुझे पसंद कर रही है, प्यार कर रही है, तो मतलब ये ही मेरे लिए ट्रॉफी है। प्रियंका विनर नहीं बन पाई, काफी लोग शॉक्ड हैं, सलमान ने भी बोला, आप क्या कहेंगी इस पर? प्रियंका ने, देखो प्रियंका ने अच्छा खेला और यहाँ तक वो आई, बहुत अच्छा खेला। मुझे लगता है कि शायद उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी रही होगी कि वो विनर नहीं बन पाई, कि आगे के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होंगे, बट मुझे ऐसा सुनने में आया कि प्रियंका को बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, तो मुझे लगता है कि वो भी उसके लिए वो एक ट्रॉफी है। लेकिन अर्चना, एमसी स्टैंड को जीतना कितना सही है, एमसी स्टैंड के जीतना, क्योंकि शिव तो उससे ज़्यादा डिजर्विंग लोगों को लगता था, पर्सनली आप सबको भी लगता था कि अगर प्रियंका नहीं जीती तो कम से कम शिव जीतेगा, बट एमसी स्टैंड क्या बोलेंगे? देखिए पहली बात तो एमसी स्टैंड का मैं ये बोलती हूँ कि जो भी एक्चुअली ये जो शो है पर्सनैलिटी का है, मेरी भी पर्सनैलिटी है, प्रियंका की भी पर्सनैलिटी है, शिव की भी है और स्टैंड की भी है, बट जो स्टैंड की पर्सनैलिटी है वो कैसी है, शिव की जो पर्सनैलिटी मुझे लगती है कि वो एक्सपीरियंस है। अब देखो मैं ये बिग बॉस में गई, अभी मुझे बिग शो को इसे दूसरे बिग बॉस में ना जीत क्या हूँ मैं, मुझे पता अब क्या करना क्या नहीं करना है, नहीं अब मुझे कैसे चलना क्या नहीं करना क्या नहीं करना सब पता, मैं उस हिसाब से पर्सनैलिटी मेनटेन करके रखूँगी, तो वो शिव ने किया। बट जो एमसी स्टैंड है वो प्योर सोल और ओरिजिनल चीज़ें रही है उसकी, तो मे भी शायद वो इस वजह से विनर बना है, और मतलब जो था वो था, नहीं होगा नहीं होगा। और मुझे लगता है दूसरा, मैं क्रेडिट सबसे पहला क्रेडिट मैं यही देना चाहती हूँ कि जितना भी जनता ने उसे प्यार किया है, बहुत ज़्यादा उसको प्यार दिया है, वोट दिया है, तो शायद ये भी एक रीज़न है कि आज वो विनर है। अर्चना को क्या क्या मिला? प्रियंका को तो बहुत कुछ मिला, अर्चना को क्या क्या मिला? मेरे को ना मूवी मिली, ना टीवी सीरियल मिला, ना कोई रियलिटी शो मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। पर अर्चना, मुझे एक बहुत बड़ी चीज मिली, मुझे जनता का प्यार मिला, पर भारत का मुझे प्यार मिला, महिलाओं का प्यार मिला, वो मेरे लिए काफी। पर अर्चना, ये माना जा रहा है कि खतरों के खिलाड़ी अब साइन कर चुकी हैं। देखिए सुनिए, मैंने क्या बोला कि मैं एक्टर हूँ, अब मैं पॉलिटिक्स में जिस वजह से आई, मैं एक्टर की वजह से आई, तो मैं एक्टिंग नहीं छोड़ सकती। अफकोर्स मैं मूवी करूंगी, मैं जो भी मुझे प्रोजेक्ट मिलेंगे मैं लूंगी और मैं करूंगी, उसके साथ साथ मैं, मुझे इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, तो मैं मूवी भी करूंगी और साथ के साथ ये। बट मेरा था कि पहले अभी इस वक्त, क्योंकि अभी मैं बिग बॉस से जस्ट निकली हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे को फिल्में विल्में मिलेंगी काफ़ी, और मतलब ऐसा मेरा पॉजिटिव थिंकिंग है। अर्चना, ऐसा माना जा रहा है कि खतरों के खिलाड़ी अब साइन कर चुकी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? एक और रियलिटी शो में जाना चाहेंगी कभी, अगर खतरों के खिलाड़ी आपको ऑफर होता है तो? देखो अभी ये नहीं सोचा मैंने, इसके अलावा लॉकअप की भी, लॉकअप या ओटीटी ऑफर हो तो? लॉकअप तो बिग बॉस ही है, फिर क्या है? अरे मतलब आप यहाँ से एक्सपीरियंस लेके वहाँ नहीं खेलना चाहेंगे? मैं बस एक दिन के लिए जाऊंगी, हेलो हाय भैया कैसे चल रहा है, सब अच्छा चल रहा, ठीक है आ गई मैं। अगर चल लो भैया तो स्टाइल स्टेटमेंट हो गया, मतलब अगर आपको बड़े, आपको बड़े, आपको मुझे सच में मतलब जैसे ये शो बताया जा रहा था उस हिसाब से, तो मुझे वोट के हिसाब से मुझे लगता था कि एमसी स्टैंड और प्रियंका भी थी, बट मुझे एमसी स्टैंड। अर्चना, कहीं आपको लगता नहीं कि अर्चना ये इतने दिनों का क्या कहेंगी इसके बारे में? प्रैक्टिकल चीजों में ठोकर मिली, तो अभी मुझे सलमान सर ने बहुत चीजें सिखाई है जो मुझे आगे के करियर के लिए भी, मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती हूँ, अब मैं कैसे करूँ, आंसू थोड़ा रोक सकती हूँ, इमोशन थोड़ा रोक सकती हूँ, एक अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मुझे। बट अब मुझे यहाँ आने के बाद पता चला जिस घर में मैं रह रही थी वो घर नहीं था, वो सेट था और वो एक शो था, शो खत्म भैया, तुम अपने घर मैं अपने घर, उसके बाद में मुझे नहीं लगता किसी को इमोशनल की कदर है। अच्छा, झूठ को लेके और छोटी छोटी चीजों को लेके आपका घर में इतना झगड़ा होता था, आप बोलती भी थी ये मेरे लिए छोटी चीजें, लेकिन क्या आपको लगता है वो वर्थ था अब गेम में निकलने के बाद? नहीं, पता है, नहीं, हाँ अब मुझे रियलाइज हुआ
कि एक्चुअली ये मैं आपको पता नहीं, शायद मैं भी एक महीने तक आपको पता चल जाएगा कि मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं ऐसी ही हूँ। मैं मम्मी पे कभी कभी टमाटर को लेके झगड़ा कर लेती थी, मम्मी तुम्हें रखना चाहिए सब्जी बननी है बिना टमाटर की, मैं सब्जी नहीं खाती। बट अब बिग बॉस में जाने के बाद पता चला कि भैया बिना टमाटर की भी सब्जी बन सकती है, बिना प्याज की भी सब्जी बन सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप इतनी छोटी सी चीज़ पे इतना बड़ा क्रिएट करो। बट वो मैं कब सीखी, बिग बॉस में जाने के बाद में सीखी कि अच्छा दिस इज प्रैक्टिकल लाइफ जो मुझे जीना है। दुनिया को पता पड़ गया कि अर्चना हाइजीन को लेके कितनी अवेयर है, बट उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अर्चना एमपी मिल जाएगा जल्दी? क्या एमपी मिल जाएगा सब? आप देखो एमपी जब भी मिले, चाहे 2025 में मिले, 26 में मिले, कभी भी मिले, कोई इसमें मतलब दिक्कत नहीं। बट मैं पहले चाहती हूँ कि मैं फोकस पहले अपने काम पे करूँ, क्योंकि देखो मेरा काम दिखेगा तो मैं भी शायद किसी की नज़र में मैं आ जाऊँ, और या क्या मतलब नज़र में भी ना हो प्यार हो जाए मुझे, कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब कब हो। हरियाणा की तो स्टार बन गई है अर्चना। इंग्लिश को लेके जिस तरह से आपने बोला था कि आप अपने जब भी बच्चे होगे उसको इंग्लिश मीडियम में डालोगे, जो का काफी लाइफ में आपने ये बोला था, इसमें कितने बदलाव आप देख रहे हैं? आपको भी जिस तरह नहीं आ रहा, और इतना बड़ा सफर और इतना मुकाम तक आप पहुंचे हो, इस तरह नहीं होता कि इंग्लिश आना कंपलसरी है, इसमें कुछ बदलाव अभी आपके में नजर आ रहा है कि भाषा इम्पोर्टेंट नहीं होता है? नहीं, बट मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा बिग बॉस में जाके लगा, जैसे काफ़ी लोग हैं, मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा था कोई मजाक उड़ा के चला जाता है तो मैं उसको रिप्लाई करूँ, ओए हेलो आई नो इंग्लिश, ओके अब नाउ आई एम टॉकिंग टू यू। मतलब मैं चाहती हूँ पार्टी में बैठो, बड़ी बड़ी पार्टी अब करूँगी, हाँ कल बड़ा बहन की पार्टी है, वहाँ जाऊँगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे, तो स्टाइल में ऐसे बैठ के, हाँ यस यस या मतलब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश सीख जाऊँ, थोड़ा पर्सनैलिटी अच्छी कर लूँ, तो मतलब बाकी सब सेट है, शायद तब मुझे मूवी मिल जाए। चलो।